चल 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 निकले आगे चले। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप ऑल इज़ वेल। सो गाइस, आज हम लोग एक पैरट शॉप पे जा रहे हैं। मुजम्मल के जो पैरट हैं उनका थोड़ा सा उनके इसके मुजम्मल के जो पैरट्स हैं उसने अंडे दिए हुए हैं, और जहाँ पे वो अंडे देते हैं वो जगह जो है ना वो थोड़ा सही नहीं है। तो ये बोल रहा पापा मुझे और भी पैरट्स लेने हैं, और पैरट्स लेके दें, और पैरट्स लेके दें, और उनका जो जहाँ पे वो अंडे देते हैं ना वो जो होता है बर्तन होता है वो भी सही नहीं है, वो बर्तन भी लेना है। तो आज हम लोग जा रहे हैं पैरट शॉप पे। अंगूर कैसे लगाया? पाव है, अंगूर भी आ गया जी। चल मतलब चलें, ये मोमनाबाद का एरिया है, अमरूद भी देख सकते हैं, अमरूद भी है, और देखें क्या क्या चीज़ें हैं। जहाँ वो आगे पेट शॉप है, ये आगे पेट शॉप है, ये देखें जी जिगर, बड़े गोश्त का जिगर, ये पेट शॉप है। चलो मुकम्मल चलो, ये हम लोग पेट शॉप पे आ गए हैं जी, अब इनसे बात करते हैं, देखते हैं। तो ये जी मुकम्मल साहब देख रहे हैं जी पैरट्स को, पैरट्स ये पैरट्स हैं इसके पास, लेकिन उसमें वो जो लगा होता है ना जिसमें जाके जो अंडे देते हैं वो नहीं है, हांडी सी जो होती है। ये देखें जी देसी कुकड़ है, देसी कुकड़ भी है शॉप पे जी, देसी मुर्गी है जी, देसी कुकड़ देखें, देसी मुर्गा, देसी मुर्गा है, ये भी देसी मुर्गा है, ये भी देसी मुर्गा है। ये देसी मुर्गा कितने का जोड़ा, ये वाला अंडे देता जी मुर्गी जी, देखा जिसने बच्चे निकाले हुए हैं, ये देखे दो बच्चे निकाले हुए हैं, इसने भी बच्चे निकाले हुए हैं। ये वाला ब्लैक कितने का है? बच्चे जो है मुर्गी, मुझे बच्चे जो हैं ये बच्चे 800 800 के, ये 800 के बच्चे हैं जी। अभी और भी हैं, हम जो ले रहे हैं ये वाले ले रहे आए हैं, ये वाले नहीं है उसके अंदर वो टूट गया। ये आगे कबूतर भी हैं, इसके बाद वो पैरट्स भी हैं, पिंजरे लगे हुए हैं, कबूतर भी हैं। अंडे देसी हैं जी, कितने का एक देसी अंडा? देसी अंडे 50 के हैं जी। ये खुराक पड़ी हुई है, मुजम्मल भी देख रहा है खुराक। सामने वो मटकी ले ली है तोतों की, और उसके तोतों के लिए वो फास्ट ग्रोइंग के लिए, उसके लिए इधर से चलना फास्ट ग्रोइंग के लिए। ताज़ा सब्जियां देख रहे हैं जी, ताज़ा सब्जियां। चलो, और ये मोमनाबाद का बाज़ार है, मोमनाबाद की मार्केट है, अच्छी मार्केट है जी, यहाँ से हर चीज़ मिल जाती है ऑलमोस्ट। देखते चने बना रहा है खान साहब, लेने चने मुजम्मल, चने लेने, चने जी रेडी पेपर जी, खान साहब चने बना रहे हैं। चल और मोमनाबाद का बाज़ार है जी, हम लोग मोमनाबाद में हैं, मुजम्मल ने लाइट पकड़ा हुआ है, लाइट हमारा ख़राब हो गया जी। हमें जो पड़ती है नज़दीक में जो मोमनाबाद की मार्केट पड़ती है, मुजम्मल ना मार्केट। और गाइस आप सुनाएं सब कैसे हैं,
और कराची के ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं आप लोगों को, अपनी कीमती राय का ज़रूर इजहार किया करें कमेंट्स में, कमेंट सेक्शन में बताया करें। और कौन कौन सी एरिए, अभी बात कुछ दिन में हूँ पाकिस्तान के अंदर, कुछ दिन पाकिस्तान के अंदर। मुजम्मल मेरे साथ है जी, मुजम्मल सुबह सुबह उठ गया आज, कह रहा पापा चलो थोड़ा घूम के आते हैं और अपने पैरट्स के लिए खाना लेके आते हैं। पैरट्स के लिए वो जो बॉक्स होता है ना जिसमें जो अंडे बच्चे देते हैं, वो वाला टूट गया था एक, वो वाला ये देखें डॉगी, छोटा डॉगी। मोमिनाबाद की मेन मार्केट है जो दिखाई मैंने आप लोगों को। ओके गाइस, ये मैं आया हूँ फिश लेने के लिए, देख सकते हैं जी। कौन सी फिश है? रोहू। ये रोहू फिश है जी, रोहू फिश तैयार हो रही है जी। इधर मक्खी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मक्खी है, देख सकते हैं ताज़ा फिश है जी। सो गाइस देखा रक्षा, ये रक्षा है जी, ये हमारे सामने टमाटर है सेल हो रहे हैं। ये असल में कराची का बुद्ध बाज़ार है, कराची का जो है ना ये बुद्ध बाज़ार है जी, और इसलिए यहाँ पे इतनी रौनक है। ये देखें जे जो है वो ये पहचाने जे क्या चीज़ है ये। और यहाँ पे यानी कि वो मार्केट है जी, आज बुद्ध बाज़ार, बुद्ध बाज़ार है। हाँ ये बुद्ध बाज़ार है, यहाँ पे बुद्ध बाज़ार लगा हुआ है जहाँ पे जूते कपड़े हर चीज़ यानी कि ज़रूरत अशिया की जो है वो ऊपर तक जो है ना सब लगा हुआ है। देखें जी रेहड़ी के ऊपर ड्राई फ्रूट बेच रहा है, रेहड़ी के ऊपर रख के अपने। सो गाइस मैं लेने आया था फिश, इधर से गुजर रहा था तो इसके पास जो थी वो फिश थी, मैंने फिश ली। अभी उसको 5000 का नोट दिया, तो उसके पास 5000 का चेंज नहीं है। हाँ मिल गया चेंज, चलो शुक्र है। छोड़ दिया 15 रुपये। अच्छा कर लिया, पूरे कर लिए पैसे अपने।